हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे आज टर्नर। जी हाँ, ये होगा हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो में से मैं क्वेश्चंस आपसे हर बार पूछ रहा हूँ, और आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा पार्ट 4 में से। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में वो पार्ट पक्का देखना, क्योंकि देखिए मैं आपको भी चेक करवाना चाहता हूँ आपके साथ साथ कि आप कितना भूल रहे हैं, कितना आपको याद है। तो आप तरीके से वीडियो देखिए और तरीके से मुझको आंसर दीजिए पूरी ईमानदारी के साथ। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट टर्नर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस बुक में वो ये कि मशीन टूल्स में लुब्रिकेंट प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। लुब्रिकेंट जो यूज़ होता है वो क्यों होता है यूज़ मशीन टूल्स के अंदर। इसमें होता है कि मेटिंग पार्ट्स के बीच में घर्षण को कम करना। अगला पॉइंट है हमारे सामने कि ऐसे बियरिंग जिसमें लोड शाफ्ट के अक्ष के लंब रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हमारा रेडियल या फिर जर्नल बियरिंग। अगला पॉइंट है साइन बार का साइज किसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो किससे करते हैं निर्दिष्ट साइन बार को, तो वो करते हैं रोलरों के सेंटर से सेंटर की दूरी द्वारा। और रोलर जो होते हैं उसमें लगे हुए, उसके सेंटर से सेंटर की दूरी के द्वारा डिसाइड करते हैं साइन बार का साइज। अगला पॉइंट है एक्मी थ्रेड को निर्दिष्ट करने के लिए संक्षिप्त रूप है क्या, TR60x9। कटिंग टूल का कौन सा कोण कारी के साथ संपर्क में आने से कटिंग एज को रगड़ खाने से बचाता है, तो उसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड मटेरियल की टर्निंग में प्रयुक्त कार्बाइड टिप्ड टूल में होता है क्या, नेगेटिव रेक एंगल। मिलिंग मशीन ऑर्बर पर दिए गए स्टैंडर्ड टेपर का अनुपात होता है 24:7, और स्क्रू पिच गेज का मुख्य कार्य क्या होता है, ये होता है स्क्रू थ्रेड की क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी चेक करना। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप बी प्रकार का सेंटर ड्रिल जो कि सेंटर होल के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, के काउंटर सिकिंग भाग का शीर्ष कोण कितना होता है, तो वो होता है हमारा 120 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट के पिस्टन लेथ पर बॉक्स टर्निंग टूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है टरेड हेड से प्लेन टर्निंग कार्य के लिए। लेथ मशीन पर थ्रेडिंग करते समय किस पार्ट के द्वारा कैरेज को मूव किया जाता है, तो ये मूव किया जाता है लीड स्क्रू के द्वारा। ब्रेजिंग को किस तापमान पर किया जाता है गर्म, तो ये हमारा 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। जिस की से ड्रिल चल का खोला या बंद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिल चक। ये टेक्निकल टर्म है, सब टेक्निकल कीवर्ड हैं सारे, जो टेक्निकल फील्ड से उनको अच्छे से पता होगा। और मुझे पता है कि आप लोग टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें, और आपको पता भी होंगी, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है स्लिप गेज की 5वीं श्रेणी में कितने ब्लॉक होते हैं। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, सभी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये 9, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप याद करना। अगला पॉइंट है बड़े साइज के सुराख को अधिक फीड देकर ड्रिलिंग करते हैं तो सुराख क्या होता है, हमेशा गोल मतलब अंडाकार बन जाएगा। प्रयोग में लाए जाने वाले 2 प्रकार के लंबाई के स्टैंडर्ड होते हैं क्या, मीटर तथा गेज। लेथ हैंड स्टॉक स्पिंडल की नोज पर कौन सा टेपर प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं मॉर्स टेपर। अगला पॉइंट है टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किस रेंज में सुराखों को मापने के लिए किया जाता है, तो वह 12.7 से लेकर के 152.4 मिलीमीटर तक। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय उपयोग किए जाने वाला कूलेंट होना चाहिए कितना, सूखी हवा। और सतह की स्क्वायरेंस की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है ट्राई एक्वायर के माध्यम से। फ्लैट सतह से धातु काटने में कौन सा चीजल प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका फ्लैट चीजल। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोटर मशीन में रैम की चाल सामान्यतः कितनी होती है, तो ये होती है 300 मिलीमीटर।
मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है प्राप्त करना क्या? कम रोटरी मूवमेंट के साथ अधिक अक्षीय मूवमेंट प्राप्त करना। मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स को प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है इसलिए, तो इसलिए प्लीज़ बच्चों ध्यान से देखना इसको। तो इसका जो होता है प्राप्त करना क्या होता है, कम रोटरी मूवमेंट के साथ में अधिक अक्षीय मूवमेंट प्राप्त करना। अगला पॉइंट है हमारे सामने कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में बी स्केल में लगाया जाने वाला मेजर लोड होता है क्या? 100 किलोग्राम। देखिए हमारे आसपास कुछ टाइल का काम चल रहा है तो उसकी कुछ घिसाई वगैरह चल रही है, शायद आपको हल्की सी आवाज़ आ रही होगी, बट हमारा करियर उस टाइल के हाथ में नहीं है कि हम लोग इतने डिस्टर्ब हो जाए उस टाइल से कि हम लोग वीडियो को क्लोज कर दें या बाद में कभी देखें, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए। अगला पॉइंट है बड़े व्यास की एक बोरिंग के दौरान असामान्य आवाज़ सुनाई देती है, इसका कारण क्या होता है? बोरिंग टूल अपनी चाल में स्प्रिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाली हैक्सा ब्लेड की स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है? 250 मिलीमीटर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सही फॉर्म की थ्रेड की फिनिशिंग करने और बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है थ्रेडिंग चेजर का। नेक्स्ट पॉइंट हैंड फाइलों को किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। नॉन फेरल मेटल की होलिंग करने के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड। कौन सा जिग पतली सीटों में ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका सैंडविच जिग एंड साइन बार की साइडों पर सुराख बनाने के उद्देश्य होते हैं जॉब को क्लेम्प करने के लिए। कुछ स्ट्रोकों के बाद कभी कभी नया हेक्सा ब्लेड किस कारण से ढीला हो जाता है? उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है तनाव के कारण, वो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। जॉब की फिनिश हुए सरफेसों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है वाइस क्लेम्पो का प्रयोग करते हैं जॉब के फिनिशिंग हुई सरफेसों को खराब होने से बचाने के लिए। स्क्राइबर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है हार्ड कार्बन स्टील का। एंड ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है किसका? जॉब की धातु पर जिस पे वो जॉब करेंगे, मतलब धातु किस प्रकार की होगी उस पे निर्भर करेगा ये ड्रिल का कटिंग एंगल कि कैसे बैठाना है, किस एंगल पे उसको कटिंग करनी है, राइट। अगला पॉइंट है लेड बेल्ट की धातु होती है कास्ट आयरन और वी बेल्ट का नॉर्मल शीर्ष कोण कितना होता है? तो ये होता है 40 डिग्री और डेड सेंटर का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो ये होता है 60 डिग्री। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। वायर टाइप बेल्ट फास्टनर्स का प्रयोग किया जाता है लाइट ड्यूटी मशीन पर। रॉट आयरन का मुख्य गुण क्या है? तो यह इसकी भंगुरता। मटेरियल में हार्डनेस, जो हार्डनेस होती है मतलब जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? स्क्रैच होने का प्रतिरोध करता है ये। अगला पॉइंट है टेपर जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है साइन बार का और लेथ पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड को काटा जाता है सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने सेंटर ड्रिल का साइज चुना जाता है वर्क पीस के व्यास के आधार पर। अगला पॉइंट खोखले सिर वाले या सॉकेट सिर वाले सेट स्क्रू को कसने या खोलने में किस रिंच का प्रयोग करते हैं? तो ये खोलना होगा इस बुक में, थोड़ा प्रिंटिंग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा भी आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे आपको चल जाएगा पता कि ये कसने और खोलने वाली बात कह रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एलन रिंच। और चिन ब्लॉक अथवा सतह गेज का आधार बना होता है किसका? तो ये बना होता है ढलवा लोहे का। तो फ्रेंड आज का क्वेश्चन ये रहा, सोल्टर मशीन में रैम की चाल कितनी होती है? तो पार्ट फोर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको पार्ट फोर नहीं देखना है, आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आपने पार्ट फोर देखा है तो। अगर नहीं पता तो वीडियो पे एक बार वॉच कर लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा और अगेन बोलूँगा कि वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिए। लाइक के माध्यम से क्या होता है कि वीडियो बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाता है, ये वीडियो उस बच्चे तक पहुँच पाएगा जो गाँव में रहता है और महंगी महंगी किताबों को जो परचेज नहीं कर सकता है।
और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड तक। आप भी आगे बढ़िए, औरों को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए। शेयर करिए फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और अपना कमेंट यानी कि इसका आंसर मुझे प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।